हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर कर दीजिए। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट की रेसिपी और इंस्टेंट रेसिपी। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ रवा उत्पम। तो चलिए शुरू करते हैं। इंस्टेंट उत्पम बनाने के लिए दोस्तों, तो मेरे को यहाँ पे चाहिए सूजी। इंस्टेंट उत्पम हम सूजी से बना रहे हैं। यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप रवा। ये मेजरिंग कप से मैं ले रही हूँ और इसके अंदर मैं डालूंगी, इसी मेजरिंग कप से 1 कप मैंने रवा लिया है, तो मैं 1 कप दही डालूंगी इसके अंदर। और ये मैंने लिया है दही, तो मैं इसको डालूंगी इसके अंदर और हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दही को मैंने इसमें अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हम इसमें कुछ चीज़ें डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने ली है 1 मीडियम साइज़ की प्याज, जिसको मैंने फाइनली चॉप कर लिया है। यहाँ लिया है टमाटर, ये भी मीडियम साइज़ का है। यहाँ मैंने ली है 1 कैप्सिकम, इसको मैंने छोटा छोटा कट कर लिया है। थोड़ा सा यहाँ पर लिया है जिंजर का टुकड़ा, जिसको मैंने कद्दूकस कर लिया है। करी लीव्स और 2 ग्रीन चिली। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर डालूंगी ग्रीन चिली, फिर मैं इसके अंदर डालूंगी ये कद्दूकस किया हुआ अदरक, और उसके बाद मैं इसके अंदर डालूंगी ये करी लीव्स, क्योंकि ये एक साउथ इंडियन डिश है तो करी लीव्स इसमें स्पेशली जाती हैं। तो मैंने इसमें डाली है करी लीव्स। और इसके बाद मैं इसके अंदर डालूंगी नमक, तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। और उसके बाद मैं इसके अंदर डालूंगी ब्लैक पेपर पाउडर, ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो इसको स्किप भी कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा मिर्च, काली मिर्च डाला है। और उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे पानी। पानी यहाँ पे आपको इतना रखना है कि सूजी अच्छे से इसमें फूल जाए, और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अभी मैंने इसके अंदर लगभग 1/2 कप पानी डाला है और इसको हम रेस्ट पे छोड़ देंगे कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए ढककर। और जो बाकी हमारे टॉपिंग्स बची हैं इनको हम बाद में यूज़ करेंगे। यहाँ पे मेरे बैटर को 10 से 15 मिनट हो गए हैं और मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ। देखिए कितना थिक है, सूजी अच्छे से फूल गई है। हमने इसे रेस्ट पे इसीलिए रखा था ताकि हमारी जो सूजी है वो अच्छे से फूल जाए। और अब मैं इसके अंदर दोबारा पानी डालूंगी। और एक बार इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। आपको ज़्यादा वाटर ही नहीं रखना है, इसकी कंसिस्टेंसी एकदम ऐसी ही होनी चाहिए। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो यहाँ पे मैंने गैस पे लिया है एक पैन, ये मैंने नॉनस्टिक पैन लिया है, और हम फ्लेम को ऑन कर लेंगे और इसको गर्म कर लेंगे। और यहाँ मेरा पैन गर्म हो चुका है, इस पे मैं डालूंगी थोड़ा सा ऑयल और उसके बाद हम इसके ऊपर डालेंगे अपना बैटर। इस पे जो आपकी फ्लेम है वो एकदम मीडियम होनी चाहिए। और उसके बाद मैं इसके ऊपर डालूंगी ये कटा हुआ प्याज, थोड़ा सा कैप्सिकम और थोड़ा सा टमाटर। और यहाँ पे इसे एक साइड से पक चुका है, इस पर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और इसको हम एक स्पैचुला की मदद से अच्छे से पलट देंगे। और दोनों साइड से मैं इसे इसी तरीके से सेक लूंगी। और यहाँ पे देखिए ये मेरा उत्पम बनके एकदम तैयार है। मैं इसको निकाल लूंगी एक प्लेट में
और इसी तरीके से मैं अपने बाकी सारे उत्पम तैयार कर लूँगी। और ये देखिए दोस्तों, मेरे उत्पम एकदम तैयार हैं, बिल्कुल मार्केट जैसे बने हुए हैं, जैसे रेस्टोरेंट में आपको मिलते हैं। मैंने इसे ग्रीन चटनी के साथ सर्व करा है, इसकी भी मैंने वीडियो बनाई है, आप वो मेरे चैनल पे देख सकते हो, आपको इजीली मिल जाएगी। और आप इसे किसी भी चटनी के साथ सर्व कर सकते हो, केचप के साथ भी कर सकते हो। बहुत ही इंस्टेंट रेसिपी है ये और बहुत ही हेल्दी है।